संवाद लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के छोटे से वीडियो में। और आज के वीडियो में सिर्फ 10% है। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं छोटे छोटे वीडियो क्यों बनाता हूँ, हालांकि मैं बड़े वीडियो भी बनाता हूँ, बहुत बड़े बड़े वीडियो भी हैं मेरे जो कि आप अगर चैनल पर जाओगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन मैं छोटे छोटे वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि कम समय में भी आप चलते चलते भी, मान लीजिए रास्ते में चल रहे हो तो भी 10% तैयार कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं। पंच परमेश्वर कहानी का प्रकाशित हुई तो पंच परमेश्वर कहानियां वो 1915 में प्रकाशित हुई और मुंशी प्रेमचंद इसके लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बूढ़ी काकी ईदगाह सुजान भगत पूस की रात कफन कहानियों के लेखक का नाम बताइए। बूढ़ी काकी ईदगाह सुजान भगत पूस की रात कफन कहानियों के लेखक का नाम बताइए। तो प्रेमचंद जी की ये सारी की सारी कहानियां हैं, बूढ़ी काकी ईदगाह सुजान भगत पूस की रात और कफन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। ऐतिहासिक सामाजिक और शिकार संबंधी कहानी लिखने वाले लेखक का नाम बताइए। तो शिकार संबंधी ऐतिहासिक और सामाजिक कहानियां लिखने वाले लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा की ये कहानियों की विशेषता है कि वो ऐतिहासिक भी हैं, सामाजिक भी हैं और शिकार संबंधी कहानियाँ भी हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। भावमूलक आदर्शवादी कहानी परम्परा की नींव किसने डाली। भावमूलक आदर्शवादी कहानी परंपरा की नींव जयशंकर प्रसाद जी ने डाली थी। भावमूलक आदर्शवादी कहानी परंपरा की नींव। चलिए नेक्स्ट है। आकाशदीप और पुरस्कार कहानियों के लेखक का नाम बताइए। तो दो कहानियां आकाशदीप और पुरस्कार प्रसिद्ध कहानी है, आप जानते होंगे, पढ़ा भी होगा। और ये जो कहानियाँ हैं वो जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट। शत्रु कहानी के लेखक का नाम बताइए। शत्रु कहानी के लेखक का नाम सचिदानंद हीरानंद वात्सायन अगे है। शत्रु कहानी के लेखक का नाम सचिदानंद हीरानंद वात्सायन अगे जी की कहानी है शत्रु। चलिए अगला प्रश्न। नई कहानी आंदोलन का सूत्रपात किसने किया। तो नई कहानी आंदोलन का सूत्रपात है वो राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर जी ने किया था। नई कहानी आंदोलन का सूत्रपात है वो राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर ने किया। और प्रवर्तक दूसरे हैं। प्रवर्तक के रूप में पूछा जाए प्रश्न तो अलग उत्तर आ जाएगा, लेकिन सूत्रपात करने वालों में ये तीनों के नाम आएंगे। चलिए। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट किसने कहा। शरदचंद्र ने प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा था। शरदचंद जी ने प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा था। अगला प्रश्न अपना है, प्रेमचंद जी के नाम से पहली कहानी कौन सी है। तो ये बड़े घर की बेटी है वो प्रेमचंद जी के नाम से पहली कहानी है। और आज के वीडियो का लास्ट का 10वां प्रश्न, प्रेमचंद के किस कहानी संग्रह को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। तो सोजिए वतन को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटे के निशान को दबाना ना भूलें।